दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारत की 18 सदस्यीय टीम का ऐलान। तो क्या टीम लेकर आई है भारतीय टीम, कौन सी 18 सदस्यीय टीम के साथ उतर रही है भारतीय टीम, बताने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप भी हैं भारतीय टीम के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों भारतीय टीम इस समय श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 मैचों की श्रृंखला खेल रही है, जहां उसने तीनों T20 मुकाबले को आसानी से जीत लिया है, लेकिन अब उसकी नजर टेस्ट सीरीज पर रहने वाली है। दरअसल दोस्तों टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम ने T20 सीरीज खेला, जिसका पहला मुकाबला लखनऊ में खेला गया और उस मुकाबले को भारतीय टीम ने 62 रनों से जीता। दूसरा मुकाबला भारतीय टीम ने 7 विकेट से धर्मशाला में जीता। वहीं तीसरा और आखिरी मुकाबला 27 फरवरी को खेला गया, इस मुकाबले को भी धर्मशाला में भारतीय टीम ने 6 विकेट से जीत लिया। अब भारतीय टीम की अगली नजर होने वाली है टेस्ट श्रृंखला पर, जो कि 4 मार्च से शुरू हो रही है। पहला टेस्ट मुकाबला मोहाली में 4 मार्च से 8 मार्च के बीच खेला जाएगा। वहीं दूसरा टेस्ट मुकाबला 12 मार्च से 16 मार्च के बीच शनिवार से शुरू होगा और यह मुकाबला बेंगलुरु में खेला जाएगा। इसके लिए भारतीय टीम की 18 सदस्यीय टीम का ऐलान हो गया है। तो कौन कौन से खिलाड़ी यहां पर खेल रहे हैं, कौन कप्तान होने वाला है और क्या क्या ओपनिंग जोड़ी और क्या पेयर्स बन रहे हैं, ये आपको बता देते हैं। दोस्तों इस सीरीज के लिए कैप्टन होंगे रोहित शर्मा, उनके साथ प्रियांक पांचाल टीम में है। वहीं दोस्तों मयंक अग्रवाल, तो ये 3 खिलाड़ी जो कि ओपनिंग जिबा संभालने वाले। चौथे खिलाड़ी जो कि यहां पर मिडल ऑर्डर की बात करें तो यहां पर विराट कोहली हैं, श्रेयस अय्यर हैं, हनुमा बिहारी हैं और दोस्तों एक और ओपनर और मिडल ऑर्डर खिलाड़ी शुभमन गिल, जिनको भी टीम में जगह मिली है। विकेट कीपिंग की बात करें तो दोस्तों 2 विकल्प भारतीय टीम के लिए विकेट कीपिंग में मौजूद है। पहला नाम है ऋषभ पंत का, ऋषभ पंत प्योर विकेट कीपिंग करने वाले हैं, इनके अलावा और कोई विकेट कीपर करेगा नहीं। अगर कोई दिक्कत होती है तो KS भरत भी अवेलेबल है भारतीय टीम के सिलेक्शन में। और दोस्तों अगर ऑलराउंडर्स की बात करें, स्पिनर्स की बात करें तो दोस्तों रविंद्र जडेजा, जयंत यादव और आर अश्विन, ये यहां पर काफी ज्यादा बेहतरीन स्पिनर और ऑलराउंडर होने वाले हैं। तीनों खिलाड़ी बहुत ही बेहतरीन स्पिन कराते हैं, फिटनेस का कोई इशू नहीं हुआ तो ये तीनों खिलाड़ी खेलने वाले। कुलदीप यादव भी एक स्पिन के डिपार्टमेंट के रूप में जाएंगे। वहीं दोस्तों एक बड़ा नाम सौरभ कुमार का भी होने वाला है इस सीरीज में, जो कि पहली बार टीम इंडिया में इंक्लूड किए गए हैं और ये एक बहुत ही नया चेहरा है जो कि बहुत ही ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। दोस्तों अगर फास्ट बॉलर की बात करें तो मोहम्मद सिराज, उमेश यादव, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह फास्ट बॉलिंग का जिम्मा संभालने वाले। बता दें दोस्तों जसप्रीत बुमराह ही वाइस कैप्टनसी भी निभाने वाले हैं, जो कि एक बड़ी बात होने वाली है। आपके हिसाब से क्या स्क्वाड भारतीय टीम का जो स्क्वाड है श्रीलंका को हराने में कामयाब होगा, हमें अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।